क्या देखकर डर गए रैंडी ऑर्टन? क्या फिंट जिंदा है? क्यों मिज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस मांगा? क्या देखा ड्रू मैकइंटायर, शेमस और कीथ ली के बीच? कैसा रहा टीएलसी के बाद रॉ का नया एपिसोड? इसके बारे में ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन शार्लेट से होती है। शार्लेट आगे कहती हैं कि पिछले 6 महीनों में कुछ भी नहीं बदला है, और फिर वो आस्का को अपना फ्रेंड बताती हैं। शार्लेट इसके बाद डबल चैंपियन आस्का को बुलाती हैं। अब आस्का ने क्या बोला वो ऊपर से निकल गया, बट इतना समझ में आया कि नाया जैक्स और शायना मेरे लिए रेडी नहीं थी, और डेफिनेटली शार्लेट फ्लेयर के लिए भी रेडी नहीं थी। शार्लेट कुछ कहती, तभी नाया जैक्स और शायना बेजलर की एंट्री होती है। नाया जैक्स कहती है कि अच्छा लगा तुम्हें देख करके, वैसे शार्लेट की आम 6 महीनों में ठीक हो गई, बट उसकी रोबोटिक आवाज अभी भी वैसी ही बनी हुई है। इसके बाद डाना ब्रूक और मैंडी रोज की एंट्री होती है। ये दोनों आके नाया जैक्स और शायना बेजलर के चैंपियनशिप हारने का मजाक बनाती हैं। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और आस्का रिंग छोड़ देती हैं, और हमें मैंडी रोज, डाना ब्रूक वर्सेस नाया जैक्स, शायना बेजलर के बीच टैग टीम मैच दिखा। मैंडी रोज और शायना मैच की शुरुआत करती हैं। मैंडी नाया जैक्स को कॉर्नर साइड में ले जाके 2-3 फटके लगाती हैं और टैग डाना ब्रूक को देती हैं, बट शायना टैग नाया जैक्स को दे देती हैं। अब नाया जैक्स आके अपनी ताकत का नमूना पेश करती हैं और डाना ब्रूक को उठा उठा के फेंकती हैं। अब डाना ब्रूक नाया जैक्स पर पलटवार करती हैं और किक मार के रिंग के बाहर कर देती हैं। फिर ये दोनों नाया जैक्स और शायना बेजलर को रिंग के बाहर ही क्रॉस बॉडी देती हैं। जैसे ही नाया जैक्स रिंग में आती हैं, वो मैंडी रोज पर पलटवार करके उन पे हावी हो जाती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। एंड में शायना डाना ब्रूक को क्लच लगा के मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद डाना ब्रूक और मैंडी रोज नाया जैक्स और शायना बेजलर को मार के रिंग के बाहर फेंक देती हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें हर्ट बिजनेस देखने को मिले, जहां एक वर्कर न्यू डे की टी शर्ट पहना हुआ था, जिसको बॉबी लैशले फाड़ देते हैं। अब हमें वीआईपी लॉन्च में बॉबी लैशले, एमवीपी, न्यू चैंपियन सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन दिखाई दिए। एमवीपी कहते हैं कि वीआईपी लॉन्च से बाहर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई और जगह नहीं हो सकती है। सेड्रिक अलेक्जेंडर कहते हैं पैनकेक्स विद प्राइड के साथ। इसके बाद हर्ट बिजनेस एक पोज देते हुए नजर आए, तभी आर्ट्रोत उनके पीछे आ जाते हैं, और उनके पीछे पीछे काफी सुपरस्टार उन्हें चेज करते हुए स्टेज पर क्रिसमस ट्री के आसपास भाग रहे होते हैं। तभी जेफ हार्डी और मैट रिडल की एंट्री होती है, और वो आके कहते हैं कि हर्ट बिजनेस को एक क्लब पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। वो फिर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि एक फन टाइम के लिए तुम्हारी कैसी सोच है, मैं होता तो मैं लालच से ज्यादा गर्व महसूस करता। फिर हमें पता चलता है कि हार्डी ब्रोज वर्सेस एमवीपी बॉबी लैशले के बीच रॉ में एक मैच दिखेगा। इसके बाद बैक स्टेज एजे स्टाइल और ओमास दिखे, जहां इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि लास्ट नाइट के बारे में आपका क्या रिएक्शन है जब मिज ने कैश इन करा। एजे स्टाइल कहते हैं कि मिज ने टीएलसी में मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से बाहर कर दिया, अब मैं जानना चाहता हूं कि वो खुद के लिए क्या कहेगा। अब हमें मिज मॉरिसन मिज टीवी पर दिखाई दिए। मिज कहते हैं कि मैंने अपने परिवार को फेल कर दिया टीएलसी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप ना जीत पाने की वजह से, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। फिर मॉरिसन कहते हैं कि एक और माफी है जिससे मांगना जरूरी है। तभी एजे स्टाइल की एंट्री होती है। मिज कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने शो पर इस वजह से गेस्ट के तौर पर बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं, हालांकि नामुमकिन है बट कोशिश करूंगा तो मैं समझा पाऊं। तभी एजे स्टाइल कहते हैं मिज अपना मुंह बंद रखो। एजे स्टाइल कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो जो तुमने मेरे मैच में कैश करा। मिज का चेहरा सा उतर जाता है और मिज कहते हैं कि मैंने कैश इन इसलिए करा क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहता हूं। तुम जानते हो कि मैं कितना डिसरेस्पेक्ट फील करता हूं जो कि टाइटल जीतने पर शायद बदल सकता था। फिर मिज कहते हैं कि एजे स्टाइल और ओमास तुम दोनों को आने वाले मरीन में लूंगा, और फिर वो एक पोस्टर भी दिखाते हैं। फिर ओमास बोलते हैं कि मिज के लिए मॉरिसन ने कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करा, मिज ने तो करा ही नहीं। ये सुन के मिज सोच में पड़ जाते हैं और आके कहते हैं कि एजे स्टाइल ओमास सही कह रहा है और मैं मिस्टर मनी इन द बैंक विनर हूं और मैं ही वो राइट हूं जो कैश इन के लिए कह सकता हूं। इसके बाद मिस कहते हैं कि मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए। तभी ड्रू मैकइंटायर की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि तुम लोगों के इस तरह के बात करने के पीछे की वजह मैं हूं, मैंने तुम्हें हरा के अपना टाइटल डिफेंड करा और एजे स्टाइल के गाल पे टीएलसी का परमानेंट मार्क छोड़ दिया। फिर ड्रू मैकइंटायर नाइटमेयर आफ्टर क्रिसमस को सुनाते हैं, उसके बाद शेमस और कीथ ली भी सुनाते हैं, और फिर ये आपस में भिड़ जाते हैं और मार के मिस मॉरिसन को बाहर कर देते हैं। रिंग में एजे स्टाइल पड़े होते हैं, वो उठ के कीथ ली को ड्रॉप किक मारते हैं और वो जाके शेमस से टकरा जाते हैं। फिर कीथली और शेमस भिड़ जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर जैसे तैसे दोनों को रोकते हैं और अलग कराते हैं।
अब हमें रेट्रीब्यूशन की एंट्री दिखी जहां हमें टी बार वर्सेज रिकोशे के बीच मैच दिखा। इनकी एंट्री होती है और बैकस्टेज कीथ ली और शेमस फिर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें जाके ड्रू मैकइंटायर समझा बुझाकर अलग कर देते हैं। मैच शुरू हुआ, रिकोशे पंचेस मारना शुरू करते हैं बट टी बार उठा के रिकोशे में मार देते हैं और फेंक देते हैं। अली ये देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। टी बार फिर अपना मारना जारी रखते हैं। अब रिकोशे जैसे तैसे टी बार को रिंग के बाहर करते हैं तो दूसरी साइड मेस उनसे उलझते नजर आते हैं और मार के रिकोशे को ढेर कर देते हैं। अब अली कुछ कह रहे होते हैं तो रिकोशे उन्हें पकड़ के बाल 4-5 जड़ देते हैं। फिर टी बार ने रिकोशे को उठा के मूव दिया और मैच जीत लिया। मैच के बाद टी बार रिकोशे से कहते हैं कि रेट्रीब्यूशन को ज्वाइन कर ले नहीं तो तेरा अस्तित्व खत्म कर देंगे। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती, अली हो टी बार हो सब रिकोशे को रेट्रीब्यूशन में ज्वाइन कराना क्यों चाहते हैं भाई? ऐसा क्या है, हम फैंस को भी बता दो। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, पहले तुम इतने सारे थे अब गिनती के 5 रह गए हो, उसमें ही कुछ रह लो, क्यों जबरदस्ती रिकोशे के पीछे पड़े हुए हो? नेक्स्ट हमें जेफ हार्डी मैट रिडल वर्सेस एमवीपी बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। रिंग साइड शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर भी होते हैं। मैच शुरू होते ही जेफ हार्डी बॉबी लैशले पर टूट पड़ते हैं और मारते हुए अपने कॉर्नर में ले जाके टैग मैट रिडल को देते हैं। हालांकि बॉबी लैशले रिडल पर पलटवार करते हैं, फिर अपने कॉर्नर में ले जाके एमवीपी को टैग दे के बारी बारी से मारते हैं। टैग जेफ हार्डी पर आता है तो वो फुर्ती दिखाते हुए बॉबी लैशले में मार लगाते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं। फिर एमवीपी आते हैं, उनको भी मार के ये लोग रिंग के बाहर कर देते हैं। अच्छा मैच के बीच हार्डी को भी इन्होंने एक टाइम दबा लिया बट मैट रिडल ने आके फिर फाइट बैक करा। रिंग के बाहर से शेल्टन और सेड्रिक का इंटरफेयर लगातार रहा। मैट रिडल रिंग से डाइव लगाते हैं, उधर बॉबी लैशली रिंग में जेफ हार्डी पर लॉक लगा के मैच जीत लेते हैं। अब हमें टीएलसी पीपी में फिंड वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच जो कुछ हुआ था वो दिखाया गया, जिसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन की एंट्री दिखाई दी। वो आके कहते हैं मुझे मेरी लाइफ में काफी चीजें कही गई और मैंने कल रात साबित कर दिया कि मैं उन चीजों में से एक हूं जब मैंने फिंड को जला दिया था। वो कहते हैं मैं नॉर्मल नहीं हूं और मैंने हर उस सेकंड का मजा लिया जब मैंने फिंड को जलते हुए देखा। फिर वो रिंग में दिखाते हैं कि एग्जैक्टली इस स्पॉट पे मैंने फिंड को यहां जलाया था। वो बताते हैं कि मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरे माइंड में आवाज मौजूद नहीं थी, बस एक आवाज जो मैं सुन सकता था वो जलते हुए फिंड की सांसों की आवाज थी। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि फिंड अब नहीं रहा, वो एक दुष्ट पुत्र था। तभी धीरे-धीरे लाइट्स ऑफ होती हैं और रैंडी ऑर्टन निकल के रिंग के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही लाइट ऑन होती हैं, अलेक्सा ब्लिस रिंग में एक झूले पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ब्लिस आके अंदाजा लगाती हैं कि ब्रे वाइट कहां हो सकते हैं। वो कहती हैं कि फिंड शायद ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो गया है और अगर वो वापस आया तो ऐसा होगा जो रैंडी ऑर्टन ने कभी देखा नहीं होगा। यही इनका सेगमेंट एंड हो जाता है। अब बैकस्टेज हमें मिज दिखाई दिए, वो अपने लॉयर से बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट WWE से वापस ले सकते हैं। तभी एजे स्टाइल वहां आते हैं और मिज का फोन काट देते हैं और कहते हैं कि पहले आज के मैच पर ध्यान दो। इसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर शेमस कीथ ली वर्सेस मिज मॉरिसन एजे स्टाइल के बीच 6-man टैग टीम मैच का। शेमस और मॉरिसन मैच की शुरुआत करते हैं, दोनों एक दूसरे को मारते हैं बट मॉरिसन पकड़ बना के मिज को टैग दे देते हैं। मिज भी आके हाथ साफ करते हैं और टैग एजे स्टाइल को देते हैं, वो भी आके शेमस को मारते हैं। हालांकि शेमस फाइट बैक करते हैं बट कुछ फायदा नहीं होता है। अब टैग ड्रू मैकइंटायर पर आता है, वो आके मॉरिसन की खाट खड़ी कर देते हैं बट मॉरिसन ड्रू मैकइंटायर के लगे हुए पैर को टारगेट करते हैं। हालांकि ड्रू मैकइंटायर ग्लास को किस देके कीथ ली को टैग देते हैं और ये दोनों मिलके मॉरिसन को उठा के फेंकते हैं। फिर कीथ ली शेमस को टैग देते हैं और दोनों मिलके मॉरिसन को मारते हैं और फिर एजे स्टाइल को उठा के पटक देते हैं, जिसके बाद फिर ये रिंग में आपस में भिड़ जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर आके इन्हें जैसे तैसे रोकते हैं। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर शेमस स्टाइल में मॉरिसन के चेस्ट पे मारते हैं और शेमस मिज के मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, मॉरिसन ने शेमस को टेबल पर भी फेंका। फिर ये सब आपस में भिड़ जाते हैं। रिंग के आसपास रखे क्रिसमस ट्री, गिफ्ट बॉक्स, टेबल सब में एक दूसरे को इन्होंने मारा। वहीं शानदार मैच के एंड में ओमास ने मॉरिसन को टेबल पर दे मारा। वहीं कीथ ली ने मिस को मूव देके मैच जीत लिया और एंड में जब ये जीत का जश्न मना रहे होते हैं तभी शेमस ने कीथ ली को ब्रॉक किक देके ढेर कर दिया। हालांकि ड्रू मैकइंटायर इस बात से जरा भी खुश नहीं दिखाई दिए। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। वहीं WWE ने न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बना तो दिए हैं, हालांकि कुछ खास मजा उसमें नहीं दिख रहा है। शार्लेट फ्लेयर बस ओवर पुश ही नजर आ रही हैं। वहीं हर्ट बिजनेस अब हार्डी ब्रॉस के साथ फ्यूड में दे रहे हैं। रेट्रीब्यूशन का इस हफ्ते भी वही देखने को मिला जो पिछले कुछ हफ्तों से ड्रामा दिखाई दे रहा है कि भाई हमें भी ज्वाइन कर ले। इनका ये नहीं पता कि पहले से इस ग्रुप के लाले पड़े हुए हैं और रिकोशे को और ज्वाइन करा लो। कल की वीडियो में मैं बोल नहीं पाया था बट ये टेक्निकली शायद मेज आने वाले दिनों में प्रूव कर देंगे कि कैश इन का मैंने नहीं बल्कि मॉरिसन ने कहा था और ये सही भी है। मेज के पास फिर से मनी इन द बैंक हमें वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब रैंडी ऑर्टन को फिंड के होने का अंदाजा फिर से लग गया है बट देखना ये होगा कि अलेक्सा ब्लिस ने कहा है कि कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा क्या दिखाई देता
सकता है। वहीं मेन इवेंट में अच्छा मैच जगा जहां एंड में शेमस ने कीथली पर अटैक कर दिया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।